हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आम पाखे दुई तीन टाइम जो एजुकेशन को रिलेट करी माने स्पेसिफिक आमर डिग्री एजुकेशन को रिलेट करी न्यूज अच्छी जोटा कि जानवा भी पिला माने दरकार कारण आग को एथिरे किछि अपॉर्चुनिटी आमको देखा जाउछि जे भली किछि पोस्ट हुए तो क्रिएट हो पारे। ये है फर्स्ट आम पाखे कितना अच्छी। तापर आम देखा आमर जो FM यूनिवर्सिटी गोटे एडवर्टाइजमेंट अच्छी जो किसी रिक्रुटमेंट को बेस करी लास्ट रे आमर SSB PGT रो जो एडमिट कार्ड को लेकिन पिला प्रॉब्लम हो विषय टिके लास्ट रे डिस्कशन करी। तो ये देखूँ महाविद्यालय अध्यक्ष निजुक्ति नियमावली जारी आमर कौन होती ओडिशा रे जिते 488 कैटेगरी जो डिग्री कॉलेज गुड़िक रहा ता सहित 662 कैटेगरी डिग्री कॉलेज गुड़िक जो अच्छी से एवं सुधा बहुत सारे कॉलेज रे प्रिंसिपल के नहांती प्रिंसिपल पोस्ट को फिलअप कर आउ एठी से जिनस लेखा अच्छी आमर जो प्रिंसिपल पोस्ट फिलअप हम कॉमन कैडर ऑफ रीडर्स ग्रेडर शिक्षक ही केवल अध्यक्ष हो पारे जदि रीडर्स नथिबे तबे वरिष्ठ अध्यापक को अध्यक्ष भाव निजुक्ति दिजाव एथिपाई पूरा पूरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रेडी अच्छे आउ ये शीघ्र ये सब काम सरीज ताने देख लो 400, 500, 600 एग्जाक्ट नंबर ये लिखा जाए। तो ये सारे कॉलेज जी एट ए टाइम प्रिंसिपल पोस्ट फिल मैंने जोड़ा सब फांका पड़ी से फिलअप हम मैं से ही कॉलेज रू कई सीनियर फैकल्टी को दिजाव जो भी गाइडलाइंस अच्छी कितु कथा पड़ी कौन ये फांका पड़ मैंने से फैकल्टी जहाँ से पोस्ट जो जो प्रिंसिपल बनी जब तो कहीं ना कहीं जो भी क्लास से नौले कौन करुले से किसी हूँ तो क्लास से नहीं पारती कि फिर भी जहाँ गोटे पोस्ट पुणी जानवे जे से आवश्यक पड़े। ओके तो ये गोटे बड़ जिनस कहीं सांसन पोस्ट रू रही ये निश्चित तो ये फैकल्टी पुणी आवश्यक पड़ पाए जो रिक्वायरमेंट रही पाए। तो ये पॉजिटिव न्यूज गोटे आमर जो पे फ्रेशर मैंने अच्छा से मैंने आशावादी अच्छा जे सब कॉलेज को जोड़ी करके गोटे कराऊ एट ए टाइम सब पोस्ट सैंक्शन हो पुणी नुआ पोस्ट किसी बाहर करा जाओ। तो ये फास्ट अपडेट नेक्स्ट को जी आम नेक्स्ट अपडेट कौन उच्च शिक्षा क्षेत्र में चलित वर्षर प्रचलन होब जातीय शिक्षा नीति मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति मानने फाइनाली यहाँ पूरा ऑफिशियली कह गए लागू होमेंपर आमर ओडिशा रे जो जातीय शिक्षा नीति 2020 आम कौन NEP 2020 से लागू हो जाएगी आम कहीपर ऑफिशियली से लागू होगापर मुख्यमंत्री बड़ वर्ष बड़ निष्पत्ति 4 वर्ष पर्यंत वृद्धि हो पार डिग्री पाठ्यक्रम 1 वर्ष मिल सर्टिफिकेट 2 वर्ष मिल डिप्लोमा 3 वर्ष मिल डिग्री आउ 4th वर्ष मिल डिग्री अनर्स सर्टिफिकेट क्रीड़ा कला संस्कृति ये सब जिनस लिखाई सप्तम वर्ष समाप्त करने को मिल सुजोग। ओके ता माने आमर ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति ऑफिशियली लागू होगा कहींपर कि एपर्तंत मानने सिलेबस करिकुलम जहाँ रही कथा से सब कॉलेज को प्राय पठे किंतु वेबसाइट एपर्तंत किसी मिलूना वेबसाइट मीनस आपंकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट डिटेल्स किसी मिलूना ता सहित आम जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वेबसाइट अच्छी से डिटेल्स किसी या विषय एपर्तंत मिलूनी बहुत शीघ्र से अवेलेबल हो प्राय पूरा डिटेल्स जो सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न प्रथम वर्ष कौन रोक सेकेंड इयर कौन रोक थर्ड इयर कम अवश्य कॉलेज गुड़ाक से मैंने प्राइवेट मैंने एमती ऑफिशियल मेल पठे थे कि वेबसाइट पब्लिक होना। ओके तो ये देखा जिते शीघ्र आसीज कितु किटा कॉलेज मिलू वेबसाइट मिलूँ जी आप चाहिए देखिपर तो किटा कॉलेज वेबसाइट अवेलेबल हो सिलेबस। ओके तो ये बहुत भल न्यूज कौन गोटे जिनस कौन ये शिक्षा नीति लागू हेले मेन प्रॉब्लम रही कौटी मैंने लागू हेले तो बहुत भल कता कि बाकी तो मेन प्रॉब्लम रही कौटी रिक्रुटमेंट आम फैकल्टी फैकल्टी सफिशिएंट नहांती फैकल्टी सफिशिएंट जदि न रोबे ताले शिक्षा नीति फेर कौन आ जो कथ तो सही कथा आहरी बड़ प्रॉब्लम हम जो जो टाइप कोर्स स्ट्रक्चर अच्छी अधिक फैकल्टी दरकार अधिक फैकल्टी दरकार पूरा इनफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं कॉलेज को टे दरकार जो फ्रेम होमर कौन आमर जो जातीय शिक्षा नीति जो तार स्ट्रक्चर जो भाई अच्छी डिग्री कोर्स रे बेसिकली मुझे कह तो हाई मैंने पूरा मैंने स्टैंडर्ड लेवल रो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार कॉलेज को ताकि गोटे मेन है कौन फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तार डिफरेन्ट ब्रांच फैकल्टी दरकार सब तो ये सब जिनस जरूरी जरूरी किंतु कौन हो कौन ना तापर से ही लेवल रे मैंने जो कंप्यूटर ये से मैंने जो भी रही दरकार प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ये सब जिनस तो जहाँ भी हो
ये होची आपणकर जातीय शिक्षा नीति बोली आमे कही परबा ये ऑफिशियली लागू हे गेला बोली आमे कही परबा। नेक्स्ट आमर सीएम मध्ये ट्वीट करचंती जातीय शिक्षा नीति लागू हे गेला बोली ता सहे खाली थिबा आमर जो होम गार्ड नियुक्ति रे माने एमति किछ केस फेस चालथिला सेटा विथड्रॉ हे जाईची एबे माने प्रत्याहृत करा जाईची या द्वारा राज्य रे खाली थिबा 2369 होमगार्ड पदवी खूब शीघ्र पूर्ण होई परिबो ता माने एटा आगु को हुए तो एडवर्टाइजमेंट हे पारे। ओके ए भली किछ ताले अछि एठी एटा एबे सुधा किछ तो सेमिति न्यूज नै बाकी तो कोई भली किछ न्यूज आज खाली अछि कोन प्रत्याहृत होईची बोली। ओके नेक्स्ट न्यूज कु छ हमर जे मिनिस्टर अछंती उच्च शिक्षा रे पूरा नेशनल लेवल रे ओडिशार उच्च शिक्षा क्षेत्र में 24-25 शिक्षा वर्ष रु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी करने निष्पत्ति नहीं माननीय मुख्यमंत्री मोहन एम ओडिशा को कृतज्ञता जनावि। ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग अधीन समस्त सरकारी विश्वविद्यालय अनुबंधित महाविद्यालय नूतन शिक्षा नीति प्रवर्तन अनुमोदन देखते पदक्षेप राज्य शिक्षा व्यवस्था व्यापक परिवर्तन आणिबो। ओके ता माने बहुत शीघ्र आपणकर ये जिनस पूरा पर सब रेडी तापर पर आपणकर फैकल्टी रिक्वायरमेंट मत लगुच 25 रे हुए तो एडवर्टाइजमेंट कि गोटे बड़धरण आसीपा स्पेसीफिक लेक्चरर पोस्ट रे। ओके बड़धरण किसी आग को हुए तो हो पाए कारण आवश्यक तो फैकल्टी निश्चित बहुत सारा फैकल्टी आवश्यक तो कौन हो देखा यहाँ केवल मुझे डिग्री कॉलेज गुड़ क्या कहूँ यूनिवर्सिटी तो एमती फांखा पड़ी बहुत सारा फैकल्टी। ओके एफ एम यूनिवर्सिटी आप गोटे एडवर्टाइजमेंट अच्छी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फिल्म अंडर स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट बाय फकीरमोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर तो ये देखूँ बिजनेस मैनेजमेंट रोटे सहित हूँ पर्सनाल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन रे गोटे जियोग्राफी रे गोटे कंप्यूटर साइंस रे गोटे हिस्ट्री हाँ हिस्ट्री आर्कियोलोजी रोचे आपंकर गोटे अच्छी जुलोजी रे गोटे अच्छी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपंकर लेखा अच्छी सब सब्जेक्ट रे देखिपे क्वालिफिकेशन सब सब्जेक्ट रे लेखा अच्छी ता सहित ये लेखा अच्छे कौन एज लिमिट मेनसन अच्छी एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन 28 अच्छी आज एंड लास्ट डेट रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 28 इयर्स माने लिमिट अच्छी आउ पुणी रिजर्वेशन क्राइटेरिया अनुसार 5 वर्ष पुणी दि जाए। फेलोशिप ड्यूरेशन रहा हूँ फिक्स्ड रुपीज 10,000 एज पर नॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 1 ईयर व्हिच इज एक्सटेंडेबल मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स फर्दर बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस तापर एटा रहिब देखि परथबे एप्लीकेशन प्रोसेस पई दिया जाय छि डिटेल्स ता तळे एप्लीकेशन फॉर्म मध्ये दिया जाय छि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू लास्ट डेट एप्लीकेशन रे दिया जाय छि 20 November आउ तापर टर्म एंड कंडीशन दिया जाय छि म एटा टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी एप्लीकेशन फॉर्म मध्ये एटा अवेलेबल अछि चाहिले एटा देइ परबे एटा आपनकर रहिब कोन प्रोजेक्ट असिस्टेंट हिसाब रे काम करिवे पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेलो गला PF अंडर द स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट बाय फकीरमोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर तो ये हो गला आपनकर गुटे एडवर्टाइजमेंट किछि पिलांकर प्रॉब्लम रहिछि कोटी ना एडमिट कार्ड डाउनलोड रे जे जो पीजीटी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हेतला SSB वेबसाइट रे मोबाइल नंबर इनपुट करुछंती डेट ऑफ बर्थ दउछंती किंतु डाउनलोड हेइ परुनी डाउनलोड जदि हेइ परुनी कारण कोन कारण होची यदि निजे किसी मिस्टेक करेंगे जनतु जो गोटे बाहर था लेक्चरर पोस्ट आ गए पीजीटी पोस्ट बाहर था से जगह पर आप जी एमती करेंगे अलग अलग किसी नंबर देखिए कौन करेंगे आप्लिकेसन फर्म आगे चेक करूँ कि पिलांकर आप्लिकेसन फर्म भी नाई निज पाखे आप्लिकेसन फर्म चेक करूँ कौन मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ कौन देखी किसी से किसी मिस्टेक थोले बाहरी पार ना से जगह पर कौन करेंगे ना हूँ आमर SSB को सिंपल कौन करेंगे गोटे ईमेल करेंगे जो ईमेल नंबर मैंने आईडी अच्छी से ईमेल आईडी आप कौन करेंगे ईमेल करेंगे आउ मत कहीं लगुन टेलीफोन रेस्पन्न कर ईमेल भी बेस्ट रो ईमेल करेंगे आउ गोटे जिनस चेक करेंगे आगे निजर किसी मिस्टेक अच्छी कि यदि मिस्टेक थी तो डाउनलोड हो पार ना। ओके तो सेटा यदि ना ही निज पाखे किसी तेल या करूँ आप्लिकेसन आईडी देकी डिटेल्स देकी मैंने ईमेल करूँ
ईमेल कले से हुए तो जदि टेक्निकल एरर थी मैंने वेबसाइट सैट रू तेल से सर्ट आउट होके से मैंने सल्व करदे तो यहाँ ही कहींपर आउ तो किसी ऑप्शन ही ना ऑप्शन ही किसी ना तो से खाली मानते कौन मोबाइल नंबर दबा पड़ो डेट ऑफ बर्थ आउ किसी दे भी हेनी डेट ऑफ बर्थ बाय चांस जब किसी मिस्टेक होती डाउनलोड करिया प्रॉब्लम हम ओके बस यहाँ ही कहार अच्छे आराम से प्रिपेरेसन करूँ एग्जाम तो 17 तारीख में अच्छी थैंक यू।